हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम अपने रीजनिंग में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और हमारे नए टॉपिक का नाम होगा क्लॉक, घड़ी। देखिए, इस टॉपिक में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक के बिल्कुल अल्टीमेट लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे। देखिए, इस टॉपिक्स में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा आपके, टाइम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इनकरेक्ट क्लॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में बनते हैं। यानी हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपके लिए करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम व्यर्थ करें हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है क्लॉक, घड़ी। नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इस बार ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि इस बार अंतिम बार बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसके अल्टीमेट लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे। बस आपसे एक प्रार्थना है कि हमारी क्लास को रेगुलर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, हमारे साथ जुड़े रहना। आपकी आत्माओं तक आपके क्वेश्चन को उतार दूँगा, ये मेरी गारंटी है। बस उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लास में मौजूदगी रखनी होगी, फुल कॉन्सेप्ट को पूरी समझदारी के साथ समझना होगा। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी आत्माओं तक आपके क्वेश्चन को उतार दूंगा, ज़िंदगी भर आप उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो चलिए सर, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसका एक वर्बल डिस्कशन आपके सामने करता हूँ। देखिए, जैसा हमारे चैप्टर का नाम है घड़ी, आप वर्ल्ड में किसी भी घड़ी को देखिए, आपको हमेशा चार पॉइंट स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। वे चार पॉइंट कौन कौन से हैं, वे मैं आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप वर्ल्ड में किसी भी घड़ी को देखते हैं तो आपको हमेशा ये चार पॉइंट स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। हमारे ये चार पॉइंट मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि 12, 6, 3, 9, ये चार पॉइंट मैंने आपके सामने ड्रॉ करे, ठीक है। देखिए, ये जो पॉइंट हैं, ये प्रत्येक पॉइंट दूसरे पॉइंट से 90 डिग्री के गैप पर होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सर ये है, जैसे हमारा एक पॉइंट है 12, दूसरा पॉइंट है 3, तो इन दोनों के जो बीच गैप होगा या इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो 90 डिग्री की डिस्टेंस होगी। यानी कोई भी पॉइंट अपने से दूसरे पॉइंट से 90 डिग्री के गैप पर होता है। जैसे 12 और 3 दो पॉइंट हैं, इनके बीच 90 डिग्री का गैप होगा। इसी प्रकार 3 और 6 एक गैप है, इसके बीच 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार 6 और 9 के बीच 90 डिग्री का गैप होगा। इसी प्रकार 9 और 12 के बीच 90 डिग्री का गैप होगा। अब आपको एक बात यहाँ से समझ में आनी चाहिए, क्या कि सर 12 से हम चलना स्टार्ट करा था और वापस जब हम 12 तक घूमकर पहुँचे तो हमने कितने गैप चले, हमने फिलहाल कितने गैप चले हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर 12 से 3 एक गैप था, 3 से 6 दो गैप थे, 6 से 9 3 गैप हुए और 9 से 12 हमारे 4 गैप हुए। तो अभी मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक गैप जो है वो हमारा 90 डिग्री का है, एक गैप हमारा 90 डिग्री का है। तो हमारे 4 गैप कितने के हुए? 360 डिग्री के। भाई एक गैप हमारा 90 डिग्री का होगा तो 4 गैप 360 डिग्री के। यानी मैं कह सकता हूँ कि 12 से वापस 12 तक की डिस्टेंस कितनी है? 360 डिग्री। चलिए, मैंने कहा कि 12 से जो वापस 12 तक की हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है? 360 डिग्री। स्पष्ट तौर पर चीज़ें समझ में आई? दोबारा समझिए भाई, हमने कहा ये चार पॉइंट आपके सामने बने हुए हैं, प्रत्येक पॉइंट दूसरे पॉइंट से 90 डिग्री के गैप पर है। यानी 12 और 3 के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री है, 3 और 6 के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री है, 6 और 9 के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री है और 9 और 12 के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री है। इसी प्रकार 90 90 90 90, चार स्लॉट बनकर 90 के कितना बनाएंगे? 360 डिग्री। देखिए, मेरा आपसे वादा है कि आपको बिल्कुल बेसिक से अल्टीमेट लेवल तक लेकर जाऊंगा। बस सीधी आपसे एक रिक्वायरमेंट है कि आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज मैं आपको दूंगा, बस शर्त एक ही है कि आपको पढ़ना है मेरे साथ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए, हमें पता पड़े कि 12 से 12 तक की डिस्टेंस कितनी है? 360 डिग्री। देखिए, यहाँ पर आपको चार नंबर्स स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं, 12, 3, 6, 9।
जो और हमारे नंबर हैं मैं उनको आपके सामने आइडेंटिफाई करे दे रहा हूँ, और जो नंबर हैं उन नंबर्स को भी मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको देखना है। देखिए 12 है हो गया हमारा, तो एक नंबर हमारा एक आया होगा, फिर दो, तीन के बाद चार, पाँच, छः के बाद सात, आठ, नौ के बाद दस, और दस के बाद ग्यारह, और ग्यारह के बाद हमारा बारह, और एक नंबर है हमारा ये तीन। अब आपको टोटल्स 12 नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी आपसे स्पष्ट तौर पर क्लियर कर चुका हूँ कि 12 से हमारी 12 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 360 डिग्री, ठीक है सर। अब सर एक वर्बल डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या, देखिए मैंने कहा आपको इस घड़ी में, इस सर्कल में आपको कितने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 12 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं, इस घड़ी में आपको टोटल कितने गैप नज़र आ रहे हैं, इस घड़ी में आपको टोटल कितने गैप नज़र आ रहे हैं, तो सर गैप, चलिए हम आपको गैप गिनाते हैं कितने नगा गैप हैं। देखिए सर, जैसे एक हमारा नंबर है 12, एक हमारा नंबर है एक, तो दोनों नंबरों के बीच कितने गैप हैं, एक गैप। इसी प्रकार एक और दो के बीच कितने गैप, एक गैप। इसी प्रकार दो और तीन के बीच कितने गैप, एक गैप। जब आप इस प्रकार 12 से स्टार्ट कर वापस 12 तक पहुंचोगे, तो आपकी काउंटिंग में टोटल 12 गैप आएंगे, आपकी काउंटिंग में टोटल 12 गैप आएंगे। वे 12 गैप कौन कौन से हैं, देखिए 12 से एक के बीच एक गैप, एक से दो के बीच दूसरा गैप, दो से तीन के बीच तीसरा गैप, तीन से चार के बीच चौथा गैप, चार से पाँच के बीच पाँचवा गैप। इसी प्रकार 12 से शुरुआत कर और वापस 12 तक जब आप पहुँचेंगे, तो आपको टोटल 12 गैप नज़र आएंगे। तो चलिए सर एक सवाल करते हैं, क्या, कि आपने देखा कि 12 से 12 तक की डिस्टेंस कितनी है, 360 डिग्री, और 12 से 12 तक के गैप कितने हैं, 12 गैप हैं। यानी कि ये पूरा जो गोला है ये मेरे पास 360 डिग्री का है, या मैं कह सकता हूँ ये गोला पूरा मेरे पास कितने गैपों का है, 12 गैपों का। यानी कि यदि मैं कहना चाहूँ कि मेरे 12 गैप किसके बराबर हैं, यदि मैं कहना चाहूँ कि मेरे 12 गैप किसके बराबर हैं, 360 डिग्री के। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारा जो पूरा यहाँ पर आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये पूरा डिस्टेंस में कितना है, 360 डिग्री, और पूरा गोले में गैप कितने हैं, 12। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये 360 डिग्री ही किस गैप के बराबर है, 12 गैपों के बराबर है। यदि मैं यहाँ से एक गैप निकालना चाहूँ, यदि यहाँ से मैं एक गैप निकालना चाहूँ, तो सीधी सी बात है कि एक गैप यदि मुझे निकालना है, तो एक गैप मेरा होगा 360 बटे 12 का, यानी 30 डिग्री। यानी एक गैप की जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब इस एक गैप की डिस्टेंस 30 डिग्री का मतलब क्या है, तो चलिए सर इसको भी समझते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा आपसे 12 और 1 के बीच कितने गैप हैं, आपका जवाब आएगा एक गैप है, और हमने अभी सिद्ध करा है कि एक गैप कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 डिग्री। यानी यहाँ से एक सीधा सा लॉजिक निकल कर आता है, क्या, कि घड़ी में कोई भी दो लगातार नंबर, घड़ी में कोई भी दो लगातार नंबर कितने डिग्री पर होते हैं, 30 डिग्री पर, क्योंकि दोनों लगातार नंबर के बीच एक गैप होता है, और एक गैप कितना होता है, 30 डिग्री का। इसी से रिलेट कर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे सपोज कीजिए एक सुई हमारी 12 नंबर पर है, एक सुई हमारी 12 नंबर पर है, एक सुई हमारी 2 नंबर पर है, तो बताइए दोनों के बीच कितने डिग्री की डिस्टेंस होगी, आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, एक सुई 12 नंबर पर, एक सुई 2 नंबर पर, तो आपको ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। तो सर आपका जवाब होगा कि एक सुई 12 नंबर पर है, एक सुई 2 नंबर पर है, दोनों के बीच 2 गैप हैं। जब दोनों के बीच 2 गैप हैं, और आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि एक गैप हमारा 30 डिग्री का होता है, तो 2 गैप कितने के होंगे, 60 डिग्री का। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों सुइयों के या दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 60 डिग्री। आई बात समझ में, बस आपको ध्यान रखना है कि घड़ी में जो हमारा एक गैप होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का।
ठीक है। अब इसके आगे हमारा बर्बल डिस्कशन होगा घड़ी में सुइयों को लेकर। देखिए सुइयों की स्थिति के बारे में सबसे पहले हमें घड़ी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले पहचान होनी चाहिए हमें सुइयों के रोटेशन के बारे में, सुइयों की चाल के बारे में, गति के बारे में, सब चीज़ के बारे में हमें पहले बेसिक नॉलेज लेनी है सुइयों के बारे में। तो आप स्पष्ट तौर पर जानते हैं, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ आपको घड़ी में कितनी सुई दिखाई देती हैं, आपको घड़ी में कितनी सुई दिखाई देती हैं, तो भाई हर कोई बंदा बता देगा कि हमें घड़ी में तीन सुई दिखाई देती हैं। हमें घड़ी में कितनी सुई दिखाई देती हैं? तीन। यदि मैं उन तीन सुइयों के आपसे नाम पूछूं, यदि मैं तीन सुइयों के आपसे नाम पूछूं, तो सीधा सा जवाब आएगा, सर एक सुई घंटे की होती है, एक मिनट की होती है और तीसरी सेकेंड की होती है। तो चलिए इन तीनों सुइयों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? चलिए, जैसे अब सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ घंटे की सुई के बारे में। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं घंटे की सुई के बारे में। तो देखिए मैंने नाम डाल लिया आवर एंड, घंटे की सुई। देखिए मैंने आपसे वादा किया है बिल्कुल बेसिक से अल्टीमेट लेवल तक लेकर जाऊंगा, तो उसके लिए आपको साथ बने रहना है और इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखिए घंटे की सुई की बात करेंगे हम। देखिए आपके सामने घड़ी बनी हुई है, मैं इस घड़ी में एक टाइम आपके सामने नोट कर रहा हूँ, सभी को वो टाइम बताना है कि वो टाइम कितना है। देखिए मैंने आपका एक घड़ी बनी हुई है और इस घड़ी में मैं एक टाइम आपके सामने बना रहा हूँ, तो अब आपसे यदि मैं पूछूँ इस समय कोई बता सकता है घड़ी में कितने बजे हैं, तो आप कहेंगे कि सर पागल हो गए क्या, सर पागल हो गए क्या, इसे तो कोई बता देगा, बच्चा भी बता देगा कि इस समय घड़ी में कितने बजे हुए हैं, तीन बजे हुए हैं। अच्छी बात है, आप इस टाइम को पहचान पा रहे हैं। चलिए इससे अगला बढ़कर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इस समय घड़ी में तीन बजे हुए हैं, यदि मैं आपसे पूछूँ कि इस समय आपको घंटे की सुई किस नंबर पर दिखाई दे रही है, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर इस समय घंटे की सुई तीन नंबर पर है। बिल्कुल अच्छी बात है, तीन नंबर पर है। लेकिन फिर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया कि यदि मुझे घड़ी में चार बजाने हों, यदि मुझे घड़ी में चार बजाने हों तो मुझे घंटे की सुई किस नंबर पर लानी होगी, तो सर कोई भी जवाब देगा कि चार बजाने हैं तो आपको घंटे की सुई चार नंबर पर लानी होगी। अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कि आपको तीन बजे घंटे की सुई तीन नंबर पर दिखाई दे रही थी? सीधी तौर पर बात है, चार बजे आपको घंटे की सुई चार नंबर पर दिखाई दी, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि इस एक घंटे में घंटे की सुई ने कितने गैप चले हैं, इस एक घंटे में घंटे की सुई ने कितने गैप चले हैं? तो आपका जवाब आएगा सर तीन बजे घंटे की सुई तीन नंबर पर थी, एक घंटे बाद घंटे की सुई चार नंबर पर है, यानी मैं कह सकता हूँ कि घंटे की सुई ने एक घंटे में एक गैप चला है, घंटे की सुई ने एक घंटे में एक गैप चला है। और आप भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि एक गैप हमारा कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी घंटे की सुई होती है वो एक घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों चलती है, क्योंकि एक घंटे में एक गैप कवर करती है और हमारा एक गैप 30 डिग्री का होता है। आई बात समझ में? देखिए मैं इस एक घंटे को मैं 60 मिनट भी कह सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ घंटे की सुई 60 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। यदि मैं यहाँ से एक मिनट में निकालना चाहूँ कि घंटे की सुई एक मिनट में कितना चलेगी, तो जवाब आएगा 30/60, यानी हमारा आंसर आएगा आधा डिग्री। बस हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। बस हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ जो आपकी निकल कर आई है, क्या कि घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है। देखिए सिर्फ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है घंटे की सुई के बारे में, स्पष्ट है बात। देखिए दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, तीन बजे घंटे की सुई तीन नंबर पर थी, मैंने कहा घड़ी में चार बजे हुए हैं, तो आप कहेंगे घंटे की सुई चार नंबर पर होगी, आप कहेंगे कि घंटे की सुई एक घंटे में एक गैप चलती है, एक गैप का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी मैं कह सकता हूँ एक घंटे में 30 डिग्री चलती है, एक घंटे को मैं 60 मिनट कह सकता हूँ, 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में कितना चलेगी, आधा डिग्री। देखिए बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए दूसरी सुई के बारे में हम बात करते हैं, और हमारी दूसरी सुई है मिनट की सुई, ठीक है। चलिए हमारी दूसरी सुई है मिनट की सुई, तो हम दूसरी सुई का नाम डाल लेते हैं मिनट हैंड।
दूसरी सुई है हमारी मिनट की सुई। अब देखिए मेरा फिर आपसे वही जवाब है, मेरा आपसे फिर वही सवाल है कि सवाल क्या है कि इस समय आपको घड़ी में कितना टाइम दिखाई दे रहा है। सर आप कहेंगे कि इस समय घड़ी में 3 बज रहे हैं। फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा कि सर इस समय आपको मिनट की सुई किस नंबर पर दिखाई दे रही है। आपका जवाब होगा कि हमें 3 बजे मिनट की सुई 12 नंबर पर दिखाई दे रही है। चलिए अच्छी बात है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे घड़ी में 3:05 करनी है, 3:05 करनी है, तो मिनट की सुई किस नंबर पर होगी। तो कोई भी जवाब दे देगा कि 3:05 का मतलब है मिनट की सुई 1 नंबर पर होगी। अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपसे फिर एक प्रश्न पूछता हूँ कि मिनट की सुई 12 नंबर पर थी, मिनट की सुई 1 नंबर पर आ गई, मिनट की सुई 12 नंबर पर थी और मिनट की सुई 12 से 1 नंबर पर आ गई, तो मेरा जवाब है कि मेरा सवाल है कि मिनट की सुई कितने गैप चली है, मिनट की सुई कितने गैप चली है। तो आप कहेंगे मिनट की सुई 12 नंबर से 1 नंबर पर आई है, इसका मतलब मिनट की सुई 1 गैप चली है। ये तो सीधी सी बात है कि मिनट की सुई 1 गैप चली है, 1 गैप का मतलब होता है 30 डिग्री चली है। अब मैं क्या एक सवाल और पूछ सकता हूँ। जी सर पूछ सकते हैं। क्या कि मिनट की सुई को इस एक गैप को चलने में कितना समय लगा, मिनट की सुई को इस गैप को चलने में कितना समय लगा। तो आप कहेंगे कि मिनट की सुई को 12 पर थी 3 बजे और 3:05 पर 1 नंबर पर है, यानी मिनट की सुई को इस एक गैप को चलने में कितना समय लगा है, 5 मिनट। आई बात समझ में। यानी मैं कह सकता हूँ कि मिनट की सुई को एक गैप यानी 30 डिग्री चलने में 5 मिनट लगते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 5 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 30 डिग्री। यदि मैं यहाँ से 1 मिनट में चली गई दूरी निकालना चाहूँ तो 1 मिनट में कितना चलेगी मिनट की सुई, 1 मिनट में यदि मैं निकालना चाहूँ तो 30 डिग्री/5 तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 डिग्री। तो हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। आई बात समझ में। भाई जब हमने घंटे की सुई के बारे में बात करा तो हमने कहा घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 0.5 डिग्री। जब हमने मिनट की सुई के बारे में बात करा तो हमने कहा कितना चलती है 1 मिनट में, 6 डिग्री। क्लियर है। तो चलिए अब हमारी तीसरी सुई है कौन सी, सेकंड की सुई। अब हम तीसरी सुई सेकंड की सुई के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी तीसरे नंबर की जो सुई है वो है सेकंड की सुई, सेकंड हैंड, सेकंड की सुई के बारे में बात करते हैं। अब मेरा आपसे फिर वही जवाब है, फिर वही मेरा आपसे सवाल है कि इस समय घड़ी में आपसे आपको कितना समय दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि इस समय सर घड़ी में 3 बजे हुए हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, 3 बजे हुए हैं। यदि मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँ कि इस समय सेकंड की सुई किस नंबर पर होगी, तो कोई भी बच्चा जवाब दे देगा कि 3 बजे घंटे की सुई 3 नंबर पर होगी, मिनट की सुई और सेकंड की सुई किस नंबर पर होंगी, 12 नंबर पर होंगी। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे सेकंड की सुई इस 12 नंबर पर से इस 1 नंबर पर लानी है, मुझे सेकंड की सुई इस 12 नंबर से 1 नंबर पर लानी है। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि 12 नंबर से 1 नंबर पर आने में सेकंड की सुई को कितना समय लगेगा, तो आपका जवाब आएगा कि सेकंड की सुई 12 नंबर से 1 नंबर पर आने में 1 गैप चलेगी और उस 1 गैप को चलने में सेकंड की सुई को 5 सेकंड लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सेकंड की सुई हर 5 सेकंड में 1 गैप कवर करती है। यानी मैं कह सकता हूं कि सेकंड की सुई जो है वो 5 सेकंड में कितना चलती है, 1 गैप। 1 गैप का मतलब 30 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ सेकेंड की सुई 5 सेकेंड में कितना चलती है, 30 डिग्री। यदि मैं यहाँ से 1 सेकंड में निकालना चाहूँ, 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6 डिग्री। अब बात तो
सही है कि हमारी एक सेकंड में 6 डिग्री चलेगी, लेकिन हमने यहाँ मिनट की सुई निकाला था 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई निकाला था 1 मिनट में आधा डिग्री। तो यदि मैं सेकंड की सुई को भी पूछूं कि 1 मिनट में कितना चलेगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। चलो, आपको पता है 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। यदि मैं आपसे पूछूँ कि 1 मिनट में कितना चलेगी, तो आपका जवाब आएगा सर कि 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड, और हमको 1 सेकंड में पता है 6 डिग्री, तो 60 सेकंड में तो हम निकालने में माहिर हैं। तो चलिए निकालते हैं, 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 60 सेकंड में यदि मैं आपसे पूछूं तो 60 सेकंड में आएगा 6 गुणा 60, यानी कितना आएगा आंसर, 360 डिग्री। कितना आएगा, 360 डिग्री। देखिए, हमारे इस पूरे डिस्कशन का एक ही लॉजिक निकल कर आता है जो हमें ध्यान रखना है। सिर्फ इस पूरे डिस्कशन से हम केवल एक ही पॉइंट को ध्यान रखने वाले हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या है, मैं उसे आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है इस पूरे वर्बल डिस्कशन में, आपको ये ध्यान रखना है, हमने 3 सुइयों को लेकर चर्चा करी, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम घंटे की सुई की बात करते हैं, तो आपको पता है घंटे की सुई जो होती है हमारी, वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगी, आधा डिग्री। जब हम मिनट की सुई की बात करते हैं, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। और जब हम तीसरी सुई की बात करते हैं, सेकंड की सुई की, सेकंड हैंड की बात करते हैं, तो हम यदि मैं पूछूं सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 360 डिग्री। हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई में कौन सी सुई तेज है, तो आप सर सीधा सा बता देंगे कि ये तो 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, तो मिनट की सुई तेज है। अच्छी बात है, मिनट की सुई तेज है, आपको पता है। लेकिन यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मिनट की सुई तेज तो है, ये तो क्लियर है कि मिनट की सुई तेज है, लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं कि ये तेज तो है, लेकिन इसकी स्पीड घंटे की स्पीड का कितने गुना है, मिनट की सुई की स्पीड घंटे की सुई की स्पीड से कितने गुना है, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको घर से कर कर लाना है, और कल इसका जवाब हमें देना है। और जो कल यदि आप नहीं जवाब दे पाएंगे, तो हम इसका डिस्कशन आपसे कल करेंगे। देखिए, आपको ये तो पता है कि मिनट की सुई फास्ट है, मैंने तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछा है कि आपको पता है फास्ट है, लेकिन कितने गुना फास्ट है, कितने गुना फास्ट है, आपको सिर्फ ये निकालना है। आप इसका आंसर तसल्लीपूर्वक करेंगे, और जब आप पर नहीं होगा या आप अच्छी तरीके से कर कर आएंगे, आप पर हो या ना हो, इसका जवाब हम कल आपको रिपीट करेंगे, इसको दोबारा बताएंगे कि कितने गुना फास्ट है। ठीक है, अब देखिए, हमारा यह तीनों वर्बल सुइयों के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। देखिए, वीडियो ज़्यादा हमारी लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम सिर्फ आपको इतना ही आज हम आपके लिए रखेंगे, और इससे आगे की क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी ये क्लास, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए हैं इस फर्स्ट क्लास में। दोबारा से इस क्लास को पूरी को शुरू से आपको देखना है और अच्छी तरीके से समझना है, इतनी मेरी गारंटी होगी, आपकी आत्माओं तक आपके क्वेश्चन को उतार दूंगा। आने वाले 7 जन्म में भी आपकी आत्माएं इस रीजनिंग को नहीं भूलेंगी, ऐसी आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा मेरा तरीका है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भूलना भूल जाओगे, कहते हैं ना कि भूलना भूल जाओगे, वो वास्तविकता में होगा कि भूलना भुला दूंगा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि क्लास रेगुलर करनी है, और बिल्कुल बेसिक समझ के साथ आपको समझना है। आपको मैं कह रहा हूँ, किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है, अगर ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो पूरी एक एक बात का निचोड़ ऐसे दिमाग में घुसा दूंगा कि निकालना भी बाहर चाहोगे तो निकलेगा नहीं, ये मेरा प्रोमिस है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, क्लास रेगुलर लेनी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। पूरे यूपी पुलिस
पूरे यूपी पुलिस की रीजनिंग आपको फ्री कराऊंगा यदि आप लोग मेरा साथ देंगे। पूरे यूपी पुलिस की रीजनिंग फ्री कराऊंगा, पूरे यूपी पुलिस का मैथ फ्री कराऊंगा और चैलेंज कर दूंगा यदि आप यहाँ से पढ़कर कोई क्वेश्चन गलत कर आएँ तो नाम बदल देना भाई का। आई बात समझ में? लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, पढ़ना है ध्यानपूर्वक, दिमाग और तिल दोनों एक स्थान पर होने चाहिए। यदि दोनों को भटकाओगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर गलती आप लोग टीचर की बताओगे। बस इतना आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, सब कुछ मेरा काम है, मैं आपको समझाऊँगा, बस आपको पढ़ना है। तो चलिए अगली क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। नमस्कार सभी को।